पातंजल पीठ के पीठाधिपति योगर्षि स्वामी रामदेव, मेरे पीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास अत्यंत व्यस्त होकर के भी मैं अपने इसे पकड़ो तो कैसे बनेगा, अत्यंत व्यस्त होकर के भी मैं अपनी लाडली बहन रितंभरा की षष्ठ पूर्ति पर यहां आया और लोगों की ये दीदी मां है और मैं दीदी मां नहीं कह सकता, ये मेरी छोटी बहना है, इनका मेरा वही संबंध है जो सुभद्रा और कृष्ण का रहा होगा। मैं एक तो इस समय कोहरा प्लेन से आया और जल्दी फिर प्लेन छूटेगा फिर जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं राजनाथ सिंह को भी सुनता और योगी आदित्यनाथ को भी। आज क्या उपहार दूं इनको जो मेरा सर्वस्व था, रामचरितमानस वह उनको मैंने रितंभरा जी को दिया और इस भारत को अभी जो मैंने दिया अभी रामदेव जी ने बताया आपको, पाणिनी अष्टाध्यायी जो केवल 25 पृष्ठों की है इस पर मैंने 10,000 पृष्ठों में व्याख्या लिखी और वही उसका लोकार्पण करने के लिए स्वयं चित्रकूट आए भारत के प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। आज रितंभरा जी को मैं यह वचन दे रहा हूं, यही मेरा उनके लिए उपहार होगा कि जब तक मेरे शरीर में प्राण संचरित रहेंगे और तब तक जब जब सनातन धर्म पर व्याघात होगा तब तक मैं शास्त्रीय पक्ष देने के लिए त्रिदंड लेकर उपस्थित रहूंगा, ये मेरा वचन। एक बात कहकर अब मैं और नहीं कहूंगा कुछ। मैं रितंभरा जी को प्रारंभ से जानता हूं, हम लोग सब लोग राम जन्मभूमि के लिए समर्पित थे, हमने जो संकल्प लिया था वह पूरा हुआ, पूरा होने जा रहा है। 22 जनवरी को भगवान राम गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, और रामदेव जी यही ऋचा होगी, भद्रो भद्रया सचम सजमान आगात ससारम दारु अभ्येत पश्चात सुप्रके तैर दिभिरग निर्वतिष्ठन और सद्भिर वर्ण रवि राममस्थात। ऋग्वेद से लेकर हनुमान चालीसा पर्यंत जिन लोकाभिराम राम के उदात्त चरित्रों का चित्रण किया गया वे ही रामलला जी 22 जनवरी को हमारे दृष्टिगोचर होंगे। लोगों ने पूछा आपको कैसा लग रहा, मैंने कहा किसी ने कहा कि 1947 जैसा गए वो तो धूमकेतु है, ऐसा वक्त में नहीं देना चाहिए, मुझे तो वही लग रहा है जो त्रेता में 14 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात भगवान राम के परावर्तन के समय अयोध्या को लगा था। रितंभरा जी आप यशस्वी रहे, सनातन धर्म के लिए
इसी प्रकार समर्पित रहे। मैंने आपका षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया, आज मैंने इनको थोड़ा सा चिढ़ाया, मैंने कहा मैं तुमसे नाराज बहुत हूं। इन्होंने कहा नहीं गुरु जी, आप नाराज होकर तो मेरा जन्मदिन खराब होगा। मैं 74वां वर्ष मेरा पूरा होगा, हो रहा है, 75वें वर्ष में प्रवेश करूंगा 14 जनवरी को। मैं शुभकामना करता हूं कि आपकी हीरक जयंती भी मैं इसी प्रकार मनाऊं। और यही कहकर ओम तत्क्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमचरत पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतकं शृणुयाम शरदशतं प्रप्रवाम शरदशतं अदीनाश्याम शरदशतं भूयस्य शरदशतात्। अब बच्चों से बूढ़ों से सबसे प्यार करती हमें पता है, और इनको कोई धोखा दे सकता है तो प्रेम करके। एक जगह सीजई में थे तो वो 200 रुपया कुछ किसी को मिलते थे, एक को नहीं मिल रहे, वो आके शिकायत की, तो जाने ही नहीं, कहा 2 लाख दे दूं, कोई लेना देना नहीं, परिचय नहीं। मैंने कहा 2 लाख दे दो लेकिन यहाँ जमा कर दो, हर महीने ले जाया कर, नहीं घर वाले ही ले लेंगे बूढ़े से। अर्थात इनके हृदय में प्रेम और उदारता इतनी है, अधिक क्या कहें। ये आज हमारे मेहमान आए हैं, हमने तो पूज्य रामदेव जी करोड़ों जो देते हैं उनको भी हमने 100 रुपया दिया है, नहीं उनको हमने ज्यादा दिया। हाँ, और हम और हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी पहले के कई कार्यक्रमों में आए, जैसे रितंबरा ने बताया, हमें याद है, हमें विश्वास था और कोई आए ना आए तो राजनाथ सिंह जरूर आएंगे। और कभी निरंजन ज्योति जी के यहाँ होता है तो एक बार उसी समय कार्यक्रम चल रहा था, संयोग से इन्होंने समझा, हर बार पूरे दिन रहते, पूरे दिन थे नहीं, कार्यक्रम चल रहा था, तो कोई पूछे कब आएंगे, मैंने कहा जिस दिन निरंजन ज्योति कहेंगे, फिर किस दिन आएंगे जिस यही को, तो अचानक भ्रम हो गया लोगों को, निरंजन ज्योति तो बताया नहीं कि जब पकड़ी गई थी तब साथ देने वाली निरंजन ज्योति, ठीक है। और ये इनके गुरुदेव के समय से भी हमारा परस्पर बड़ा संबंध है, और इनके गुरुदेव ने राम सखा परिषद चलाया था, बड़े अच्छे और ब्रह्मज्ञानी वेदांत के विचारक संत थे। ऐसी हम परंपराएं हमारी लंबी हैं, तो मैं चाहता हूं कि अधिक समय मैं ना दूं, आगे के लिए जन जागरण साध्वी रितंबरा के ऊपर सौंप, संगठन तो साथ देता ही है, किस बात का जागरण, मंदिर का अब नहीं, अब वो कोर्ट से चल रहा, और भी काम हो गए हैं जन जागरण। इसलिए मनुष्य की बुद्धि में कोई तलवार के बल पर धर्म बदलता है, कोई किसी के बल से बदलता है, हमारी सोच क्या है विचार के आधार पर, समाज को जागृत करें, विचार करें, मिलजुल कर रहना सीखें, भाईचारा बढ़ाएं, इसके लिए अभी जागरण की जरूरत है। अब वो फायरी की तो जरूरत नहीं है। अच्छा, और